नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता पंत आज आपके सामने विटामिन्स की चर्चा करूंगी। विटामिन शब्द जो है वह मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला है विटा प्लस अमाइन। विटा मतलब जीवन और अमाइन के मतलब के लिए आवश्यक, अर्थात जीवन के लिए आवश्यक जो तत्व होते हैं वो ही विटामिन्स कहलाते हैं। विटामिन्स जो होते हैं वो बहुत सरल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये कार्बनिक अम्ल हो सकते हैं, अमीन हो सकते हैं, अल्कोहल हो सकते हैं, एस्टेरॉयड हो सकते हैं, लेकिन विटामिन्स कभी भी प्रोटीन नहीं हो सकते हैं। विटामिन्स वृद्धि कारक कहे जाते हैं, अर्थात ये हमारी वृद्धि के लिए, शारीरिक वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होते हैं और इनकी बहुत सूक्ष्म मात्रा ही हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है। अब हम बात करते हैं विटामिन्स के खोज की। 1881 में सर्वप्रथम एन आई ल्यूनिन नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले विटामिन्स को खोजा। इसके बाद 1899 में इज़क मान नाम के वैज्ञानिक आए और उन्होंने ये बताया कि जो बेरी बेरी रोग होता है वो पॉलिश के हुए चावल से होता है। फिर 1912 में फुंस नाम के वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम B1 विटामिन को चावल के छीलन से तैयार किया और उन्होंने इसको विटामिन नाम दिया। फुंस ने ही हॉकिंस के साथ मिलकर 1912 में ही विटामिन मर का प्रतिपादन किया और इनकी विटामिन थ्योरी के अनुसार ये कहा गया कि हमें कोई रोग तभी होता है जब हमारे आहार में किसी विशेष तत्व की कमी हो जाती है। उसके बाद जैनसन नाम के वैज्ञानिक 1949 में आए और इन्होंने सबसे पहले विटामिन के जो है क्रिस्टल्स प्रयोगशाला में तैयार किए। अब हम बात करते हैं विटामिन्स के वर्गीकरण की। विटामिन्स को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। पहले प्रकार के विटामिन्स ऐसे होते हैं जो कि वसा में घुलनशील होते हैं और दूसरे प्रकार के विटामिन्स ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। तो वसा में जो विटामिन्स घुलते हैं या जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं उनमें है मुख्य रूप से चार प्रकार के विटामिन्स, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और ऐसे विटामिन्स जो पानी में घुलते हैं यानी कि वो जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के। पहले प्रकार के विटामिन्स हैं विटामिन बी समूह और दूसरे प्रकार के विटामिन्स हैं विटामिन सी, यानी कि जिन्हें हम एस्कार्बिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन बी समूह जो है उसमें कई प्रकार के विटामिन्स आते हैं, जैसे विटामिन B1 जिसे हम थायमीन कहते हैं, विटामिन B2 जिसे हम राइबोफ्लेविन कहते हैं, विटामिन B3 जिसको हम पेंटोथेनिक अम्ल कहते हैं, विटामिन B5 जिसको हम निकोटिनिक अम्ल कहते हैं, विटामिन B6 जिसको हम पैराडॉक्सिन कहते हैं, विटामिन B12 जिसको हम साइनोकोबेलमीन भी कहते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन जो है H आता है जिसको हम बायोटीन कहते हैं। फोलिक अम्ल भी विटामिन बी समूह का ही विटामिन है। इसके बाद कोलीन है, इनोसिटॉल है, इस तरह के विटामिन विटामिन बी समूह में आते हैं। तो इस प्रकार ये विटामिन्स का वर्गीकरण हुआ। अब इसके कार्यों की जो बात होगी वह हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।